किसी भी मृत व्यक्ति के बाद जब उसका क्रियाकर्म कर दिया जाता है तो लोग ये मान लेते हैं कि अब उसका अक्स मिट चुका है, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। अक्सर आपने देख या सुना होगा कि आपके परिवार में से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि वह आपसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, या फिर यदि आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वह आपके साथ साथ चल रहा है। दरअसल भगवद गीता में भी लिखा है कि मृत्यु के समय केवल शरीर नष्ट होता है, जबकि आत्मा अमर है। बिना शरीर के भी वह हर जगह विचरण कर सकती है, इसलिए मनुष्य का शरीर नष्ट होने के बाद सकी आत्मा अपने परिवार के लोगों के साथ जुड़ी रहती है। यह भी माना जाता है कि वह परिवार के लोगों को सदैव मुसीबत से बचाने के लिए प्रयास करती रहती है। कुछ ऐसी बातें जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपके आसपास आपके परिवार की कोई एक आत्मा रहती है और वह आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहती है। बहुत से लोगों का मत है कि जो आत्माएं किसी कारणवश धरती पर फंस गई हैं, केवल उन्हीं की रूह भटकती हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। आपके किसी करीबी की आत्मा आपके समक्ष किसी भी रूप में आ सकती है। अचानक से चीजों का इधर उधर हिलना या किसी अपेन की आवाज आपको सुनाई देना, जबकि उसने आपको आवाज लगाई ही नहीं होती। कुछ लोग ऐसी घटनाओं को डरावनी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माना जाता है कि आपके मृत परिजन किसी न किसी तरह से आपके साथ मौजूद रहते हैं, इसलिए श्राद्ध के समय में पितरों की पूजा की जाती है ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा घर परिवार पर बना रहे। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।